आप देख रहे हैं आरटीआई न्यूज 24, सच बोल के लब आजाद है तेरे। बिन लाइसेंस चल रहे मटन चिकन शॉप। कानपुर शहर में अवैध तौर पर चल रही मटन चिकन की दुकानें फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की धज्जियां उड़ा रही हैं। शहर में बिना किसी मानक और नियमों को ताक पर रखकर मीट की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। शहर में पिछले साल मई में इन मीट की दुकानों में नोटिस दिया गया था, कई दुकानों को बंद भी कराया गया था। शहर में इसके बाद भी बिना लाइसेंस के ही मांस का कारोबार किया जा रहा है। वहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मौन बैठा है। इससे अवैध मांस का कारोबार करने वाले दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। बिना स्लाटर हाउस चल रहा है व्यापार। शहर में 200 से 300 मटन की और 500 से ज्यादा चिकन की दुकानें हैं। हालत ये है कि हर 10 कदम की दूरी पर चिकन की दुकान खुली है। शहर में मांस का बड़ा कारोबार होने के बाद भी शहर में एक भी स्लाटर हाउस नहीं है, लेकिन शहर में बिना किसी नियम कानून के मांस का कारोबार चलाया जा रहा है। अभी ताजा मामला थाना चकेरी अंतर्गत शिव गोदावरी चौकी क्षेत्र में पुलिस ने दो एक्टिवा गाड़ी में करीब 60 किलो लगभग अवैध मांस पकड़ा। सूत्रों की माने तो थाना चकेरी क्षेत्र में कई मीट की दुकानों में होती है सप्लाई। कई सालों से हो रहा है मांस तस्करी का कारोबार। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट, कानपुर।